ये बना रहे हैं हम आलू की टिक्कियां, जो कि हमने बर्गर में डालनी है। बर्गर हमारे पास पड़े थे, तो जिस दिन शॉर्मे बनाए थे उस दिन की बात है। बर्गर भी लिए थे और साथ में वड़ा पाव जब बनाया था उस टाइम भी लिए थे। उसके बाद जो है ये हमने हरी मिर्चें जो हैं चॉप कर ली हैं, और ये हमने 3 छोटे वाले प्याज लिए हैं। साथ में लीमू हमारे जो हैं सूख गए हैं लेकिन रस है उसमें। और ये मिंट, पुदीना, पुदीना भी हमने काट लिया छुरी से छोटा छोटा करके। और कम से कम 1 केजी के करीब हमारे पास आलू हैं जो कि हमने उबाल लिए हैं। और इसके बाद ये नमक मिर्च है जो हमने डालना होगा, जितना डालना होगा वो डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो रेसिपी है तैयार होने वाली है। और ये अंडे भी हैं हमारे पास, जो कि हमने टिक्की बना के आलू की और इसमें डिप करके जो फ्राई करना है ना, तो उसके लिए ये 2 अंडे भी चाहिए थे हमें। ठीक है, ये जो है हम इसमें प्याज डालेंगे, कट करो, हमने इसमें डाल दिए हैं ये जो हम मिक्स करने लगे हैं मसाला उसके लिए। और उसके बाद जो है ये प्याज डालेंगे, ये हमने प्याज डाल दिए। इसके बाद जो है ये मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च वो आप क्वांटिटी ले सकते हैं जितना आप लोग इस्तेमाल करते हैं मिर्चें। और ये हमारा चला गया पुदीना, धनिया हम नहीं डाल रहे हैं, पुदीना डाल रहे हैं धनिया की जगह। और वैसे भी पुदीना अच्छा लगता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नींबू हम बाद में इसमें छिड़केंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, ये जो है हम नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद काली मिर्च है हस पे ज़रूरत, हल्की सी खुशबू देंगे। और ये हो गया हमारा, और ये लीमू, ये जो है जनाब ब्रेड क्रम, ब्रेड क्रम हमारे पास थोड़ा है। और इसके बाद जो है ये हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया 2 चम्मच। उसके बाद जो है मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद अंडे में डिप किया, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम में हमने डाला। हमने डोनल्ड्स की शक्ल में बनाने की कोशिश की कि यार ये कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो हमने टिक्की ही बनाई थी, और जो कि टेस्टी। जो कि टेस्टी थी और खाने में तो मज़ा आया था, लेकिन जो है उसकी जो शक्ल है उस पे मत जाना। ठीक है, ये हम फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, और हमारे पास ब्रेड क्रम कम होने की वजह से, फिर अंडा ज़्यादा लगाया उसकी वजह से ये नरम हो गए, ना कि क्रिस्पी। ये देखें, ये और ये जो है मेरे पास ब्रेड भी पड़े थे, ब्रेड में भी मैंने इस्तेमाल कर दिए, लेकिन ये मैंने सुबह हानिया को ब्रेड जो थे बर्गर वाले उसमें ही मैंने केचप लगा के और ये टिक्कियाँ जो है ये रख दी थी, तो वो भी खाने में मज़ा आया था, अच्छा लगा था। ब्रेड बहुत ज़्यादा लंबे थे तो उन्हें मैंने जो है बीच में से काट के फिर बच्चों को दिया था कि ताकि ज़ाया ना हो ज़्यादा। करें शुरू। और इसके बाद जो है चाय पीने का बड़ा मज़ा आया था, चाय पी थी, और जो कि बड़ा मज़ेदार मेरा नाश्ता हो गया था। ये सुबह का ही नाश्ता था हानिया का और मेरा, और बड़ा मज़ा आया खाने का। तो आपको लगे तो आप ट्राई कर लेना, ना लगे तो ना करना। बीच में से काट दी, और उसके बाद जो है सर्फ की बच्चों को ये,
अच्छी बात है, बाहर की चीज़ों से खाने से बेहतर है बंदा होममेड बना ले, और होममेड में ये फ़ायदा है कि आपकी चीज़ अच्छी बन जाती है। हेलो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ये डोनट्स जो बनाए हैं हमने, वो डोनट्स नुमा ट्रम्प बन गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ट्राई नहीं करना। ये हमने हमें भूख लगी थी तो हमने चाय के साथ खाने थे, इसलिए हमने फटाफट से बनाए। और फिर बीच में दिमाग में ये आया कि यार हम डोनट्स बना लेते हैं, लेकिन उस तरह तो नहीं बने क्योंकि हमारे पास ब्रेड क्रम्स कम था, इसीलिए भी कुछ नहीं क्रिस्पी क्रिस्पी बने। तो हमने फिर आलू की टिक्कियां ही बना ली। तो आपने जो है ये वाली रेसिपी कभी भी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि ये हमें ज़्यादा भूख लगी थी तो फटाफट सोचा क्या बनाएं, तो हमने जल्दी से ये बना दिए आलू की टिक्कियां। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।